प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 8, कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप चल रही थी। यह कविता तुलसीदास जी की महान कृति रामचरित मानस के लंका कांड से ली गई है। और हम पहले जानकारी ले चुके थे कि जब रावण और राम की सेना के बीच युद्ध हो रहा था, लक्ष्मण के बाण लगा और उनके प्राण संकट में थे, उस समय हनुमान जी किस प्रकार संजीवनी लेकर आए थे और लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, लेकिन उस समय भगवान राम किस तरह से विलाप कर रहे थे, ये इस कविता में हम पढ़ रहे थे। कवि हैं तुलसीदास और यहाँ दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग है, अवधि भाषा है। दोहा और चौपाई जो हैं दोनों ही मात्रिक छंद हैं, मात्राओं के आधार पर इनको जाना जाता है, इनकी रचना की जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि जब लक्ष्मण के प्राण संकट में थे, अपनी गोद में लक्ष्मण को बिठाकर भगवान राम विलाप कर रहे थे, सामान्य मनुष्य जैसे वचन बोल रहे थे, क्या कह रहे थे कि तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे, इस संसार में धन पुत्र भवन पत्नी ये सब बार बार मिल सकते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र, फिर भी मेरे हित के लिए तुम माता पिता को त्याग कर यहाँ आ गए हो, और मेरे हित के लिए यहाँ सर्दी गर्मी तूफानों को भी सहन किए हो। तुम्हारी माता ने मुझे सभी प्रकार का सुख देने वाला और हमेशा तुम्हारा हित चाहने वाला जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा, यानी मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी देकर यहाँ पर भेजा था। अब मैं वहाँ अयोध्या जाकर क्या उत्तर दूंगा, हे भाई तुम उठकर मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। इस प्रकार से भगवान राम विलाप कर रहे थे। बहु विधि अनेक प्रकार से सोचत यानी सोच रहे हैं, भगवान राम स्वयं अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। सोच विमोचन संकट को दूर करने वाले सोच विमोचन संकट को दूर करने वाले जो सभी के संकटों को दूर करने वाले हैं, वे भगवान राम ही आज अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। हम सभी के संकटों को दूर करने वाले भगवान राम आज स्वयं ही अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। स्रवत यानी स्रावित होना, शलिल का अर्थ यहाँ पानी नहीं है, आंसू है। राजीव दल कहते हैं कमल को, अलोचन यानी नयन आंखें, तो यहाँ भगवान राम की आंखों की तुलना कमल से कर रहे हैं। भगवान राम की आंखों की तुलना कमल से कर रहे हैं, जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं, बीच में कोई भी शब्द या शब्दांश नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ रूपक अलंकार होगा। और दोहा चौपाई वहाँ अंत्यानुप्रास्तो होता ही होता है, अंत्यानुप्रास्तो सभी जगह चल ही रहा है, साथ में यहाँ रूपक अलंकार का और प्रयोग है।
कमल के समान नयनों वाले भगवान श्री राम की आंखों से आंसू स्रावित हो रहे हैं, सभी के संकटों को दूर करने वाले भगवान राम आज अनेक प्रकार से सोच रहे हैं, कमल के समान उनकी नयनों से आंसू श्रावित हो रहे हैं। उमा, उमा यहाँ पार्वती को पुकारा है, भगवान शिव ने कहा है। यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं कि हे उमा, एक अखंड रघुराई, रघुराई यानी राम, राम अखंड यानी अद्वितीय है, अद्वितीय और अखंड है। एक यानी वो अकेले हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। एक का अर्थ यहाँ अद्वितीय है और अखंड का अर्थ है जिन्हें कोई खंडित नहीं कर सकता है, विभाजन नहीं कर सकता है। तो हे उमा, भगवान राम तो अद्वितीय और अखंड है। नरगति, नर यानी मनुष्य, सामान्य मनुष्य जैसे गति यानी कार्य कर रहे हैं। भगत कृपाल, भक्तों पर कृपा करने वाले, भगत कृपाल भक्तों पर कृपा करने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान राम सामान्य मनुष्यों जैसी गति दिखा रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। जैसे सामान्य मनुष्य शोक में डूब जाता है, रोने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री राम भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। सभी के संकटों को दूर करने वाले भगवान राम आज अनेक प्रकार से सोच रहे हैं, कमल के समान उनकी आंखों से आंसू स्रावित हो रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा, भगवान राम अद्वितीय और अखंड हैं, लेकिन भक्तों पर कृपा करने वाले भी श्री राम असामान्य मनुष्य जैसी गति दिखा रहे हैं, सामान्य मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप, यहाँ प्रभु का अर्थ राम है, प्रलाप यानी रोना। भगवान श्री राम के प्रलाप को सुनकर, रोने को सुनकर विकुल भय, विकल विकल यानी व्याकुल, भय यानी हो गया, बानर यानी बंदरों का, निकर यानी समूह, निकर समूह है। भगवान श्री राम के प्रलाप को सुनकर, भगवान श्री राम के रोने को सुनकर बंदरों का समूह भी व्याकुल हो गया। आई गयम, आ गए हनुमान, जिमी यानी जैसे, वहाँ हनुमान आ गए तो जैसे करुण रस वीर रस में बदल गया। मह यानी में, करुण रस वीर रस में बदल गया। वहाँ शीघ्र ही जैसे ही हनुमान जी का आगमन हुआ तो करुण रस वीर रस में बदल गया। अर्थात अब तक यहाँ पर लक्ष्मण के प्राण संकट में थे और सभी शोक में डूब गए थे, रो रहे थे, अर्थात यहाँ करुण रस था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी आ गए, जो संजीवनी लेकर आए हैं, अब हनुमान जी के उस पराक्रम को कि पहाड़ को ही उठाकर ले आए, तो हनुमान जी के उस पराक्रम को देखकर और अब लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे ऐसा सोचकर सभी के हृदय में
उत्साह का संचार हो गया, और उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हनुमान जी के पराक्रम को देखकर और लक्ष्मण के जीवित होने का अनुमान लगा कर सभी के हृदय में उत्साह का संचार हो गया, अर्थात वहाँ जो करुण रस था अब वीर रस में बदल गया। हर श्री राम भेंट्यो हनुमाना, हंसकर भगवान राम ने हनुमान जी से भेंट की, हनुमान जी को गले लगाया। हंसकर भगवान राम ने हनुमान जी को अपने गले लगा लिया। अति कृतज्ञ, अति यानी बहुत, और कृतज्ञ को शुद्ध लिख लेंगे कृतज्ञ, और कृतज्ञ का अर्थ होता है किए उपकार को मानना। हनुमान जी ने जो उपकार किया है उसे भगवान श्री राम ने आज माना है कि वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार आज हनुमान जी ने किया है, जो संजीवनी लेके आ गए। बहुत कृतज्ञ प्रभु का अर्थ यहाँ राम ही है। परम सुजाना, परम यानी श्रेष्ठ और सुजान यानी ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी प्रभु राम ने हनुमान जी का बहुत कृतज्ञ माना, उनके उपकार को माना। तुरंत शीघ्र ही वैद्य ने, शीघ्र ही वैद्य ने कीनी उपाय, उपाय यानी उपचार, जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आ गए तो शीघ्र ही वैद्य ने उपचार कीनी यानी किया, उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हर्षाई यानी हंसते हुए। जब वैद्य जी ने उपचार किया तो लक्ष्मण हंसते हुए उठकर बैठ गए। अब लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई, लक्ष्मण हंसते हुए उठकर बैठ गए। हृदय लाई, हृदय से लगा लिया। प्रभु यानी राम ने भ्राता अपने भाई को हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम ने अपने भ्राता भाई को अपने हृदय से लगा लिया। हर से सकल भालु कपि भ्राता, और ऐसा देख करके सकल यानी सभी, भालु यानी भालुओं, कपि यानी बंदरों के, भ्राता यानी समूह, सभी भालुओं और बंदरों के समूह भी हर्ष यानी हंसने लग गए। सभी भालुओं और बंदरों के समूह भी हंसने लग गए। कपि, यहाँ कपि का अर्थ है हनुमान। पुनि यानी फिर हनुमान जी ने वैद्य को तहां यानी वहां पहुंचा दिया। फिर हनुमान जी ने वैद्य को वहां पहुंचा दिया। यही विधि जिस प्रकार ताही यानी उसे, लई यानी लेकर, आवा यानी आए थे, जिस प्रकार वैद्य जी को लंका से लेकर आए थे, अब उसी प्रकार वैद्य जी को हनुमान जी ने वहां पहुंचा दिया। यह वृत्तांत, यह समाचार दशानन यानी रावण, यह समाचार जब रावण ने सुना, अति विषाद, अति यानी बहुत, विषाद यानी दुखी, बहुत दुखी हो गया। पुनि पुनि, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार
एक ही पद दो बार आए, लगातार आए और अर्थ भी एक ही हो, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, इसलिए पुनि पुनि। फिर बार बार शिर को धुनेऊ यानी पीटने लगा, बार बार अपने सिर को पीटने लगा। यह समाचार जब रावण ने सुना तो बहुत दुखी हो गया और बार बार अपने सिर को पीटने लगा। व्याकुल व्याकुल होकर कुंभकर्ण पही यानी पास, कुंभकर्ण के पास आवा आ गया। वह रावण व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आ गया। विविध अनेक जतन प्रयास, ताही उसे जगावा, जगाने के लिए, और उसे जगाने के अनेक प्रयास करने लगा। कुंभकर्ण सो रहा था तो उसे जगाने के अनेक प्रयास उपाय करने लग गया। जागा निशिचर, यहाँ निशिचर राक्षस को कहते हैं और कुंभकर्ण के लिए आया है ये। कुंभकर्ण जब जागा तो कैसा दिखाई दिया, मानहु मानो, और मानहु आ गया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो मानहु, जनु जानो जानहु, ये छह शब्द याद रखें। अगर इनमें से किसी शब्द का प्रयोग दिखता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानहु कालु देह धरिवेशा, मानहु मानो काल देह यानी शरीर धरी धारण करना, मानो काल का वेश ही उसके शरीर ने धारण कर लिया हो। जब कुंभकर्ण जागा तो कैसा दिखाई दिया, मानो काल का वेश ही उसके शरीर ने धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा, बूझा यानी पूछा, कुंभकर्ण ने पूछा कि कहो भाई, रावण से पूछ रहा है, कहो भाई काहे, क्यों, तब यानी तुम्हारा, सुखा यानी सूख रहा है, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। कुंभकर्ण जब जागा, बहुत गुस्से में जागा, नींद से जगा दिया ना, मानो काल का रूप धारण कर रखा उसके शरीर ने, और कुंभकर्ण ने गुस्से गुस्से में जाकर के पूछा, कहो भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। कथा कही सब तही अभिमानी, उस अभिमानी रावण ने संपूर्ण कथा कह दी। ते ही यानी उसे, अभिमानी रावण ने उसे अर्थात कुंभकर्ण को सभी संपूर्ण कहानी कह दी। जेही प्रकार सीता हरि, हरि का अर्थ है हरण करना, आनी यानी लाए, जिस प्रकार सीता का हरण करके लाए थे वह संपूर्ण कथा उस अभिमानी रावण ने कुंभकर्ण को कह दी। हे तात कपिन सब निश्चिर मारे, कपिन यानी बंदरों ने, रावण कह रहे हैं कि हे तात उन बंदरों ने सभी राक्षसों को, निशिचर यानी राक्षस, राक्षसों को मार दिया है। हे तात उन बंदरों ने सभी राक्षसों को मार दिया है, महा महा महान, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जोधा योद्धा,
महान योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। उन बंदरों ने सभी राक्षसों को मार दिया है, महान योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। अब कैसे कैसे योद्धाओं का संहार किया, रावण की सेना में कौन कौन लड़ रहे थे बता रहे हैं। दुर्मुख, बुरे मुख वाले, जो टेढ़ा मेढ़ा मुख है, भयानक मुख है, डरावना मुख है, तो बुरे मुख वाले शुर रिपु देवताओं के शत्रु। देवताओं के शत्रु ये राक्षसी होते हैं, देवताओं के शत्रु। मनुज आहारी, मनुष्यों का आहार करने वाले, मनुष्यों को ही जो खा जाते हैं। भट अतिकाय, अतिकाय बहुत बड़े शरीर वाले, और भट यानी योद्धा। बहुत बड़े शरीर वाले योद्धा, अकंपन भारी, बहुत भारी शरीर वाले, अकंपन किसी से नहीं डरने वाले। अपर यानी अन्य, महोदर बड़े शरीर वाले, आदि जो वीर हैं, और भी अन्य बड़े बड़े शरीर वाले जो वीर हैं। परे समर मही, समर यानी युद्ध, मही यानी भूमि, युद्ध भूमि पर मरे हुए पड़े हैं सब रणधीर, रणधीर योद्धा। ऐसे सभी रणधीर उस युद्ध भूमि में मरे हुए पड़े हैं। बुरे मुख वाले, देवताओं के शत्रु, मनुष्यों का आहार करने वाले, बहुत बड़े शरीर वाले योद्धा, बहुत भारी शरीर वाले, किसी से नहीं डरने वाले। अन्य बड़े शरीर वाले जो योद्धा हैं, वे सब उस युद्ध भूमि में मरे हुए पड़े हैं। सुनी दसकंदर वचन तब, दसकंदर रावण, रावण के वचनों को सुना तब कुंभकर्ण विलखान, कुंभकर्ण भी रोने लग गया, क्योंकि इसके बहुत सारे मित्र और इनके योद्धा मारे जा चुके हैं। तो दसकंदर से, रावण से जब ऐसे वचन सुने तब कुंभकर्ण भी रोने लग गया और कहने लगा, जगदम्बा, जगदम्बा यहाँ माता सीता को कहा है। हरि यानी हरण करना, आनी यानी ले आए हो, दुष्ट, सठ यानी दुष्ट, अपने भाई को ही कुंभकर्ण दुष्ट बता रहा है, कह रहा है हे दुष्ट, तुम जगदम्बा अर्थात माता सीता का हरण कर लाए हो, तुम जगदम्बा माता सीता का हरण कर लाए हो और अब कल्याण चाहते हो, तुम्हारा कल्याण अब संभव ही नहीं। जब रावण के वचनों को सुना तब कुंभकर्ण भी रोने लग गया और कुंभकर्ण ने कहा, हे दुष्ट, तुम माता सीता का हरण कर ले आए हो और अब कल्याण चाहते हो, तुम्हारा कल्याण अब संभव ही नहीं है। थैंक यू।